वालेकुम वीवर्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ये रेसिपी आप लोगों को भी पसंद आएगी ये है जनाब चिकन चरगा और चरगा जो है ये मैं अपने स्टाइल से बनाने वाली हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए साबुत ज़ीरा है साबुत धनिया है कुछ मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं छोटी गोल वाली ये अपनी मर्जी से आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं एक बोल भर के मैंने दही का लिया है साथ ही मैंने टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और टेबल स्पून ही मैंने अच्छे से ब्रांड का चरगा मसाला ले लिया है और मैंने जर्दे का रंग लिया ताकि अच्छा सा चरगा रेडी हो प्री हीटेड पैन में मैं साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा ऐड कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मैं रोस्ट करना स्टार्ट करूंगी ताकि ये जले ना और अच्छे से रोस्ट हो जाए जैसे इसमें से खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मैं साबुत लाल मिर्च छोटी वाली गोल वाली मैं इसमें ऐड कर दूँगी और जैसे ये फ्राई होंगी तीनों चीज़ें तो मैं इन्हें फ्राई करके अलग से रख दूँगी आप सबको ही मालूम होगा कि जो घर के मसाले होते हैं ये कितने ज़बरदस्त तरीके से अगर रोस्ट किया जाए और इनको पीसा जाए तो इनकी बात ही अलग होती है तो थोड़ी सी मेहनत अगर हम लोग करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी हमें अच्छा मिलेगा और खाने में भी मज़ा आएगा और साफ़ सुथरा सही तरीके से जो मसाले लगाए जाएँ तो उनकी बात ही अलग होती है अब मैंने साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं मैंने कम ली हैं क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इसलिए ये चार अदर काफ़ी हैं अगर आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर लें अब ये मैं इसमें इमाम दस्ते में डाल के इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी तो ये जनाब थोड़ा सा ठंडा कर लिया मैंने इन तीनों चीज़ों को अब मैं इसमें डाल के इमाम दस्ते में मैं इसको मसाला बनाना स्टार्ट करती हूँ यानी पीसना स्टार्ट कर दूँगी इनों चीज़ों को मैं अब पीसना स्टार्ट कर रही हूँ आपके सामने है अच्छा मैं इसे पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं लाऊंगी और ना साबुत रखूंगी इसे ऐसा मैं मिक्स करूंगी और पीसूंगी कि पता भी नहीं चलेगा क्या क्या, क्या चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और मैरिनेशन के बाद तो आपको पता ही है सारी चीज़ें सारे मसाले नरम ही हो जाते हैं तो इन चीज़ों का आप ख़्याल रखिएगा ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में भी ना हो और ज़्यादा साबुत भी ना हो कि वो मुँह में खाते हुए आए तो अजीब सा लगे तो इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट कीजिएगा अब मैंने ये चिकन ले ली है चिकन अच्छी तरह मैंने धो लिया है चिकन को और आपके सामने ये बिल्कुल साबुत है और कोई पीसेस मैंने अलग नहीं करवाए हैं क्योंकि चरगा जो होता है अगर इसी तरह बनाया जाए पूरी साबुत चिकन का तो इसका लुक बिल्कुल वही आता है जो हमें चाहिए यानी चरगा असल में इसी तरह बनता है तो अगर आप चाहें तो पीसेस भी करवा सकते हैं बड़े बड़े पीसेस आप चिकन के ले लें तो वो भी मैरिनेट करके रख सकते हैं अच्छा मैं अब कर रही हूँ डीप कट्स लगा रही हूँ चिकन को ताकि अच्छा सा मसाला इसमें मिक्स हो जाए अच्छा सा मसाला इसमें लग जाए तो डीप कट्स होने चाहिए ये आपके सामने है अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ जो है मैरिनेशन की तैयारी और सबसे पहले मैं लूँगी दही को दही जो है आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है और बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए दही और ये है कि एक पूरी साबुत चिकन के लिए आधा किलो दही काफ़ी है अगर आपको मसाला और बनाना है तो थोड़ी सी दही और ज़्यादा ले सकते हैं आप लोग और साथ ही मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए आपके सामने है ये थोड़ा अच्छा सा मसाला बनेगा इसका तो मैंने टेबल स्पून लिए हैं ये एक एक तो आप भी इसी तरह लीजिएगा और एक आ, मैंने बताया था टेबल स्पून मैंने मसाला लिया ब्रांडेड मसाला कोई सा भी आप ले सकते हैं चरगा मसाला सिर्फ खुशबू लाने के लिए तो मैंने ये लिया है और साथ ही मैंने जो तीनों चीज़ें रोस्ट करके पीसी थी तो वो मैं ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसके अंदर कलर भी ऐड कर दूँगी जो जरदे का रंग होता है वो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी बिल्कुल टी हाफ टी स्पून के करीब इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल ही फिर अजीब कलर आ जाता है तो ये इतना काफ़ी है वैसे भी चरगा अपना कलर खुद ही बनाता है तो इसमें और कलर की तो ज़रूरत ही नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा कलर इसमें ऐड किया है पूरा का पूरा मसाला अच्छा सा मिक्स हो गया है अब मैं चिकन के ऊपर अच्छा सा मसाला लगा दूंगी जो ये डीप कट्स मैंने लगाए थे चिकन पर इनमें भी अच्छा सा मसाला मैं भर दूंगी और पूरी चिकन को मसाले से छुपा दूंगी चिकन में जितना मसाला होगा उतना ही मज़ेदार चरगा बनेगा अगर आपको स्पाइसेस कम लग रहे हों क्योंकि पूरी चिकन के मुताबिक मेरे हिसाब से मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं अगर आपको और ऐड करने आप लोग ज़्यादा मसालेदार खाते हैं या स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो फिर इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं मज़ीद मसाले पिसे हुए जितने भी हों आपकी मर्ज़ी गर्म मसाला भी पिसा हुआ सारे मसाले पिसे हुए और भी ऐड कर सकते हैं आप लोग तो आप लोग के ऊपर है ये अगर आप लोग खट्टा खाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप लोग लेमन जूस भी डाल सकते हैं वेनेगर भी डाल सकते हैं तो ये कि मैरिनेशन के दौरान ये चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं अब मैं अच्छा सा मसाज चिकन को कर रही हूँ ताकि अच्छा सा मसाला इसमें लग जाए मसाला पूरी जगह पे मैं अच्छे से लगा दूंगी और फिर से तीन घंटों के लिए मैं रख दूँगी फ्रीज़र में इस रेसिपी को आप फॉलो भी कर रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे साथ ही साथ आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें लाइक भी करें कमेंट्स भी अच्छे अच्छे कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपके कमेंट्स देखकर मुझे सपोर्ट भी मिलती है तीन घंटे हो चुके हैं और तीन घंटों के बाद मैंने फ्रीज़र से इसे बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं चिकन के अंदर मसाला जो है पूरा मिक्स हो चुका है जो डीप कट्स लगाए थे उनके अंदर मसाला अच्छा सा मिक्स हो चुका है अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ और इसमें मैंने खुली देखची ले ली है और साथ ही आप देख सकते हैं मैंने बड़ा सा स्टैंड रखा है जाली वाला इसके ऊपर मैं रखूँगी पूरी की पूरी चिकन क्योंकि ये मुझे स्टीम करना है सबसे पहले और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो जग बड़े बड़े पानी के वो इसलिए कि स्टीम इससे पैदा होगी पानी से और चिकन हमें पहले स्टीम करनी है उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बाद में बताऊँगी तो हमें पानी इतना लेना है कि स्टैंड के नीचे नीचे तक पानी रहे ऊपर तक ना आए अब मैं पूरी की पूरी चिकन उठाकर इस स्टैंड पर रख दूंगी और इसको मैं ढक दूंगी पूरा एयर टाइट करके और उसके ऊपर वजन भी रखूँगी ताकि ये चिकन जो अच्छे से स्टीम हो जाए आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये तो चरगा है और ये फ्राई क्यों नहीं कर रहे है, स्टीम क्यों कर रहे हैं तो जनाब ये स्टीम इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह गोश्त जो है गल जाए और स्टीम से बहुत अच्छी तरह गल जाता है फिर इसको ज़्यादा फ्राई करने की हमें ज़रूरत नहीं होती ये डाइट वालों के लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है आप लोग अगर डाइट पर हों तो आप लोग इस तरह भी बना के खा सकते हैं मैंने मीडियम लो फ्लेम पर इसे ढक के रख दिया है और ऊपर वजन भी अच्छा खासा रख दिया है अब इसे आधा घंटा होने वाला है ये थोड़ी सी रेसिपी डिफ़रेंट है लेकिन यकीन मानिए कि बड़े जो बड़े एजड लोग हैं वो भी इसे इंजॉय करके खा सकते हैं अब जनाब आधा घंटा तो हो चुका है और अब मैं इसे एक साइड से बिल्कुल पलट दूंगी और आप देख सकते हैं कि ये जो बोन्स हैं चिकन की ये थोड़ी थोड़ी अलग होने लगी हैं गोश्त से तो ये गल चुका है तकरीबन अब मैं दूसरी साइड से इसको पलट दूँगी दूसरी साइड पर और फिर मैं इसे और मज़ीद फिफ्टीन मिनट्स दूँगी फिर इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताती हूं कि क्या होगा अगर आप चाहें तो कुछ भी ना करें डायरेक्ट मैरिनेट करने के बाद आप इसको ओवन में रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के टाइम के मुताबिक इसको आप पका सकते हैं ओवन में ये अच्छी तरह से पक जाएगा वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप इसे डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं वो भी ऑप्शन है आपके पास लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आजकल लोग हर चीज़ जैसे बहुत देखभाल करके खाते हैं ज़्यादा ऑयली ना हो ग्रीसी ना हो तो इसलिए मैं इसे स्टीम दे रही हूँ हम लोग भी ज़्यादा ऑयली नहीं खाते खाना तो हम जो है पहले स्टीम कर लेते हैं जो भी चीज़ हो या फिर शैलो फ्राई करते हैं डीप फ्राई हम लोग नहीं करते तो जनाब अब दूसरी साइड से भी इसको ट्वेंटी मिनट्स से ज़्यादा ही हो गया है अब मैंने इसको निकालना है स्टीम में से और स्टीम अच्छी खासी इस चिकन को मिल चुकी है और तकरीबन तकरीबन ये रेडी है लेकिन इसका अभी फोर्थ स्टेप बाकी है फोर्थ स्टेप की तरफ आ जाते हैं और फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई ले ली है कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल मैंने गरम करके रख लिया है और इसके अंदर मैं अब डाल रही पूरी की पूरी ये चिकन और चिकन आप देख सकते हैं इसके ऊपर से मसाला जो है बिल्कुल थोड़ा गायब गायबी हो चुका है क्योंकि वो स्टीम करते हुए सारा वो थोड़ा का थोड़ा मसाला जो है पानी के अंदर चला जाता है गिर जाता है और फिर ये है कि हमें मज़ीद मसाले की ज़रूरत पड़ती है इस पॉइंट पर दोबारा मसाला हम ऐड करेंगे और पाँच मिनट के लिए हम एक साइड से इसे फ्राई करेंगे और पाँच मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड से हम इसे फ़्राई करेंगे और दोनों तरफ हम अच्छा सा मसाला दोबारा दोबारा लगाते जाएंगे ताकि इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाए क्योंकि अभी ये बिल्कुल हल्के मसाले की हो गई है तो मज़ीद मसाला इसमें और लगाना पड़ेगा तो फ्राई करते हुए और मसाला लगाया जाता है क्योंकि स्टीम में आपको पता है कि वो सारा मसाला निकल जाता है तो फिर अभी और मसाला मैं लगा रही हूँ और आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त रेडी होगा ये चरगा बिल्कुल रेडी हो चुका है मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी आपसे इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़